फ्रीडम वो चीज है जो हर कोई चाहता है। जैसे अगर ये फ्रीडम हमारे पास ना होती तो आज भी हम लोग बैरियर्स में होते अपने ब्रिटिशर्स के यहाँ। लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके, हमारी स्टोरी क्या रही, हम लोगों ने आज़ादी कैसे ली, वो हम सब जानते हैं। एंड दैट इज़ नॉट द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। फ्रीडम वो चीज़ है जो छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान वो भी चाहता है। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, वो फ्रीडम होता है। यहाँ पर फ्रीडम हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 में क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हमारी मर्जी है, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे थॉट्स है, मेरा स्पीच है, मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा स्टाइल है। ये मुझे आर्टिकल 19(1)A में दिया गया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी जो कहना चाहूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास, कि भी ऐसे नहीं कि भी बोलने के लिए तो आप गालियां किसी को दो। अब आप कहोगे जी गालियां देना मेरा स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नहीं, आप बोलने का मतलब, आप सहज लैंग्वेज में, आप एक आम भाषा जो होती है जिससे आप अपने फीलिंग्स किसी को शेयर कर सको, वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कैटेगरी में जाता है। अगर आपके पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो, आप अपने आप को कैसे किसी से एक्सप्रेस करेंगे? अगर आप दम नहीं है, आपको अल्फाजों की जरूरत पड़ेगी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। वो अल्फाज जो हैं, अगर वो पूरी तरीके से काट दिया जाए तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कैसे? वहीं पे आपके पास आर्टिकल 19(1)B जो है, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली का। मरने पे, खुशी पे, हम जब इकट्ठे होते हैं, हमें जब इनविटेशन मिलता है, हम लोग जाते हैं। हम लोग इकट्ठे कैसे हो पाते हैं? क्योंकि हमें फ्रीडम दिया गया है असेंबली के नाम पे। हम अपने असेंबली को मेंटेन कर सकते हैं अगर वो पीसफुली जा रहा है। सी कहता है फ्रीडम ऑफ के लिए 19(1)C में कि भी आपके पास एसोसिएशन का फ्रीडम है, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं। वहीं पे आर्टिकल 19(1)D जो है वो मूवमेंट की बात करता है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, कल अमेरिका चले जाएं, आज आप फरीदाबाद में हैं तो कल गुड़गांव चले जाएं, आप चंडीगढ़ चले जाएं, ये आप कैसे जा रहे हैं, ये आप मूवमेंट है, मूवमेंट का फ्रीडम आपको दिया गया है। 19(1)E बात करता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल। मेरी मर्जी भाई, मैं फरीदाबाद में सेटल करूं, मैं दिल्ली में सेटल करूं, मैं चंडीगढ़ में जाके सेटल करूं, ये मेरा मूवमेंट है। मेरा मूवमेंट के साथ मुझे राइट टू रिसाइड एंड सेटल का भी दिया है। मैं जहां चाहूं मैं रिसाइड कर सकती हूँ। वहीं पे लास्टली आपका 19(1)G जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड। हमारा प्रोफेशन है, हमारा ऑक्यूपेशन है, हमारा ट्रेड है, हम जो मर्जी ऑप्ट करें। आपको मना नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप टीचर नहीं बन सकते, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। हम ये प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन, ये ट्रेड कैसे ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये हमें राइट एज अ फ्रीडम आर्टिकल 19(1)-22 में दिया गया। लेकिन ये सारे के सारे राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है हमारे पास, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। हर एक आर्टिकल के ऊपर अपना अपना रिस्ट्रिक्शंस है, और आज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी ऑफ द फ्रीडम। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो बात करेंगे, वी वुड टॉक ओनली अबाउट आर्टिकल 19(1)A व्हिच डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आर्टिकल 19(2) में दिया गया है, जो कि ये बात करता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड इंटीग्रिटी, सॉवरिटी ऑफ इंडिया। इन ग्राउंड पे आपका जो फ्रीडम दिया गया है उसे कर्टेल किया जा सकता है। यही पे ये जो फ्रीडम है हमारे पास, यहाँ पर एक ही गोपालन का केस आया जहां पे जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने बहुत अच्छा कोट किया। आई वुड रीड दैट कोट। मैन एज अ नेशनल बींग डिजायर्स टू डू मैनी थिंग्स, बट इन अ सिविल सोसाइटी हिज डिजायर्स हैव टू बी कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड
एंड रिकनसाइल्ड विद द एक्सरसाइज ऑफ सिमिलर डिजायर बाई अदर इंडिविजुअल्स। आदमी बेखौफ है, लगाम देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। वहीं पे ये जो राइट है हमारे पास, ये राइट स्पेसिफिकली सिटीजन्स के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ओनली दोज पर्सन्स कैन अवेल दिस राइट हु आर द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। फिर यहाँ पे बात करता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस की हमने अभी जिक्र किया वो वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनली कब माना जाएगा, जब वो रिस्ट्रिक्शंस आपका पर्टिकुलरली क्लॉज टू में दिया गया हो, क्लॉज टू से लेकर सिक्स तक, तब ये वो रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस जो आप लगा रहे हैं, दैट शुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फिर यहाँ पे आता है, क्या ये राइट्स जो है किसी कंपनी या कॉरपोरेशन को अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं अवेलेबल है जी। कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन इस राइट को अवेल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो राइट आया, क्योंकि ये जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग पहले कह के चल रहे हैं कि भी ये राइट नेचुरल पर्सन के पास है, लीगल पर्सन के पास नहीं है। लेकिन वहीं पे बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 में आया, न्यूज़पेपर केस 1973 में आया, इसके बाद से कोर्ट ने ये कहना शुरू किया कि इवन दो कंपनी कैन नॉट क्लेम द राइट अंडर आर्टिकल 19, येट इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो राइट को क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे एक और केस हमारे पास 1962 का आया, केदारनाथ केस को। वहां पर इस केस में आर्टिकल 124A को चैलेंज किया गया। यहां पर जो एक्यूज था उन्होंने ये प्लीड किया कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल 124A को कहा गया, भाई ये जो आर्टिकल है, ये सॉरी 124A सेक्शन जो है, ये मेरे को आर्टिकल 19(1)A में गिवन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मेरा, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि भी दिस सेक्शन यानी सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो जो एक्यूज साहब हैं इन पे सेडिशियस का चार्ज लगा। यहीं पे हम आगे केस को देख लेते हैं। हमारे पास एक और केस है, प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी राइट टू नो का भी है आपके पास, आप न्यूज को समझ सकते हैं, आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, आप ये भी इंक्लूडेड है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर। लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सोसाइटी के इंटरेस्ट में इस पर रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। वहीं पे एक और केस है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टेलीफोन टैपिंग की बात की गई, उन्होंने कहा कि टेलीफोन टैपिंग वॉयलेट्स आर्टिकल 19(1)A अनलेस, अगर ये रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स में यानी कि आर्टिकल 19(2) में आ रहे हैं तो अलग बात है, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आ रहे तो किसी का भी फोन टैप करना वॉयलेशन करता है आपका आर्टिकल 19(1)A को। वहीं पे एक और केस आ जाता है, के ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिल्म सेंसरशिप का है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 को चैलेंज किया गया, फिल्म्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जहां पर यू फिल्म्स है अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दिया जाता था, और जहां अगर ए है तो वहां पे एडल्ट मूवी आता था। यहां पर जो पेटिशनर थे उनके फिल्म का नाम था टेल ऑफ फोर सिटीज, और उसको यू सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया गया, उन्होंने कहा दिस इज एन एडल्ट फिल्म एंड इट शुड बी गिवन ए सर्टिफिकेट। यहाँ पर उनको मना किया तो कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, ये जो डिस्क्रिप्शन किया गया है जहां पर डिवीजन दिया गया तो उसके हिसाब से चलेगा, तो उन्होंने देखा कि नहीं दिस फिल्म इज एडल्ट, तो उन्होंने एडल्ट कैटेगरी में इसको दे दिया। वहीं पे एक पॉपुलर केस हमारे पास भी एक और है, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेज ओम पाल सिंह हून का, जिसको पॉपुलरली बैंडेड क्वीन के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म को सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के आगे रखा गया, एग्जामिंग कमेटी जो थी सेंसर बोर्ड की, उन्होंने एग्जामिन किया उसको, उन्होंने रिवीजन कमेटी में भेज दिया जहां उनका रिकमेंडेशन चला। इस फिल्म को उन्होंने ए सर्टिफिकेट दे दिया और कहा कि भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस को आप क्लियर आउट करिए। इस डिसीजन से एग्रीव्ड होने के बाद रिवीजन कमेटी का जो आया कि भी एडल्ट मूवी है, यहां पर जो पिटिशनर साहब है उन्होंने अपील जो है एपिलन ट्रिब्यूनल के आगे फाइल कर दिया। ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन थे और तीन अदर मेंबर्स थे जो कि लेडीज थे। ट्रिब्यूनल ने इस फिल्म को भी ए सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया।
रेस्पोंडेंट ने रिट पटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में डाला ताकि सर्टिफिकेट को क्वैश कर दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इसको क्वैश नहीं किया जा सका। इसके बाद हमारे पास 214 का एक और केस आता है, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ पीएनएस स्कूल्स। यहाँ पे आया कि कोई भी बच्चा या बच्चे के बिहाफ पे कोई भी पेरेंट या गार्जियन, उसके पास राइट है, वो अपने मर्जी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राइमरी स्कूल के लिए चूज कर सकते हैं। ये जो राइट है, ये फंडामेंटल राइट आपके पास आर्टिकल 19(1)A में दिया गया है और ना कि आर्टिकल 21 में या 21(a) में। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारे पास दिया गया है। हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हमें ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करने चाहिए जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन 19(2) में ना आता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।